हाँ तो गाइस एक बार फिर से हमको लगना पड़ रहा है लाइन में दोबारा से, बहुत तेज वाली भीड़ हो रही है। छोटो भैया बताओ एक्सपीरियंस कल प्रेम मंदिर या फिर ये पक्का? हाँ। पक्का ये हाँ। प्रेम मंदिर में इससे कम भीड़ थी है? लोगों पूरी लाइन लगी पड़ी है और आगे भी पूरी ही पूरी लाइन लगी पड़ी है, लेकिन आगे फैन से हो सारे मेरे फैन से। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नॉट योर फैन, द रियल फैन। सारे मेरे फैन से यहाँ पे। चलो हमारे साथ तो गाइस गाइड है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हमारे गाइड अंकल ही है, इसलिए हमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारा थोड़ा इस तरीके से कह सकते हैं कि VIP स्लॉट है, बाकी उधर जहाँ पे वो टिकट्स ले रहे हैं, लाइव टिकट्स ले रहे हैं, उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आगे जाके देखो कितनी भयंकर वाली भीड़ लगी पड़ी है उनसे। यहाँ पर हम तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहे हैं। गाइस यहाँ के ये स्पेक्स है, मतलब टिकट कितने रुपए का है और ये सारी चीज़ें पॉज करके पढ़ लेना। अरे भीड़ देखो एक बार के लिए, भीड़ देखो गाइस। आ चुके हैं हम गाइस, ताजमहल हो रहा सामने दिख रहा होगा आपको। सब लोग आ रहे हैं, ये है हमारे गाइड अंकल। क्या नाम है अंकल आपका? वसीम अंकल। ये बताएंगे हमको पूरा। देखो सिट्टू भैया व्लॉग करेंगे आज, हमेशा नूनिया भैया करते हैं, आज सिट्टू बावड़िया करेगा व्लॉग। I'm best vlogger in India. अच्छा देख, without any vlog channel. हाँ यही ना बात। गाइस मैं अपना टैलेंट बाहर नहीं दिखाता, लेकिन मेरे बहुत मतलब बेस्ट तो नहीं कह सकते, सर फ्लाइंग बीच के जस्ट नीचे ही हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ सब लोग इधर आ जाओ, ग्रुप फोटो नहीं है। अच्छा वो देखो सामने जगह जो पन्नी, इसको बोलते हैं कोर्ट यार्ड ताजमहल। कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड जैसे कि आंगन होता, आप आंगन कह सकते हैं कोर्ट यार्ड। अच्छा यहाँ पर आने के तीन रास्ते हैं, पहला है ईस्ट और दूसरा है वेस्ट में जिधर से कि हम लोग आए, और तीसरा है साउथ। तो साउथ से ज्यादातर लोग नहीं आ पाते क्योंकि इसका जो रास्ता है वो सिटी के अंदर से, शहर के अंदर से, इसलिए मोस्टली जो टूरिस्ट होता है या तो वो ईस्ट से आता है या फिर वेस्ट से आता है, तो ये दो ज्यादा मुख्य गेट है। अच्छा यहाँ पर आने के तीन रास्ते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जो कि बना है नॉर्थ में, इसलिए इसको बोला, जी हाँ अंदर मतलब जाने के लिए अंदर जाने, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेन मुख्य दरवाजा ताजमहल का, मेन एंट्रेंस। जी हाँ ये इसकी जो हाइट है नीचे से लेके ऊपर तक 35 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर करीबन 107 फीट इसकी जो हाइट है नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छा इस गेट को काफी अच्छा डेकोरेटेड बनाया है क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, और देखिए इसकी बहुत सारी खूबसूरती है, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे डोम बने हैं गेट के टॉप पर 11, तो ये 11 एक साइड में, तो 11 इधर है आगे वाली साइड में, 11 है इसके पीछे वाली साइड में, तो टोटल है 22। ये इस चीज को दर्शाते हैं कि ताजमहल बनाने में 22 साल लगे, 22 ईयर्स। एक डोम एक साल का है, एक डोम एक साल के बाद बनाकर रखे। अच्छा दूसरी देखिए खूबसूरती जो है, एक स्क्रिप्ट टाइप में लिखा हुआ है ब्लैक कलर से जो कि अरबी है। दुनिया में 4 लैंग्वेजेस हैं, अरबी, उर्दू, हिब्रू एंड फारसी, जो बहुत ज्यादा सिमिलर है, एक जैसी लगती है, लिखने का स्टाइल भी एक जैसा होता है, जैसे राइट टू लेफ्ट। मोस्टली हम जो लोग लिखते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, लेफ्ट टू राइट होता है, इधर से लिख के इधर एंड कर देते हैं, और ये जो और 4 लैंग्वेजेस है ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये अरबी लिखा हुआ है, ये कुरान से है,
और इसको बोला जाता है सूरत अल फजर। सूरत अल फजर मीन्स दैट वेलकम इन माई हेवन। जैसे ये जो ताजमहल देख रहे हैं ये मुमताज के लिए एक स्वर्ग है और शाहजहां ये कह रहे हैं कि ये आओ मेरे स्वर्ग में देखने, स्वर्ग देखने के लिए जो कि मैंने यहाँ बनाया। सो इट्स मीन दैट के वेलकम इन माई हेवन सूरत अल फजर। तो ये पहला वर्सेस है कुरान का, क्योंकि शाहजहां मुमताज दोनों जितनी पूरी डायनेस्टी थी सारे मुसलमान थे और जानते ही जो लिखा हुआ ये कुरान है जो कि होली बुक है कुरान। अच्छा वो देखिए सामने जो कुछ कलर फ्लावर बने हुए हैं अर्थ में जो व्हाइट मार्बल है उस पर जैसे फूल पत्ती जैसा डिजाइन बना हुआ है, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी कलर से या किसी पेंट से डिजाइन किया हुआ है, लेकिन ये सारा पत्थर है और सारा अलग अलग तरह का पत्थर है जो कि अलग अलग देशों से मंगाया जाता है। सारा है सेमी प्रेशस, क्योंकि ताजमहल के अंदर आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जब लोग यहाँ पर आए थे ब्रिटिशर्स को बहुत सारे जो ज्वेल्स और डायमंड्स वगैरह निकाले थे, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही सिर्फ सेमी प्रेशस स्टोन लगा है, प्रेशस कभी नहीं लगा है। तो ये सारा है सेमी प्रेशस जो कि मार्बल में करीबन एक इंच डी फिक्स किया हुआ है मार्बल में, पहले उसको काटा है मार्बल को फिर उसको फिक्स कर दिया है। तो जहां जरूरत पड़ी है वहां पर उन्होंने हुक सिस्टम यूज किया है और जहां जरूरत पड़ी है उन्होंने ग्लू यूज किया है, ग्लू जो कि एक नेचुरल चीज से बनाया था। ठीक, अब देखिए छोटे छोटे ये रूम बने, ये ठीक इसके चारों तरफ ये है 210। अच्छा उस टाइम में यहाँ पर झुग्गी वगैरह बनी थी, जो लोग यहाँ पर काम करते थे तो वो लोग यहाँ पर रुकते थे। जब ये ताजमहल कम्प्लीट हुआ तो यहाँ पर उन्हीं के लिए मतलब ये क्वार्टर्स बनाए गए एज ए सर्वेंट क्वार्टर्स, लेकिन वो सब लोग रहते थे उस गेट के बाहर, वो जो देख रहे हैं साउथ, तो साउथ गेट है उस गेट के बाहर रहते थे। और आज भी जो उनकी जनरेशन है करीबन 17वीं-18वीं जनरेशन है आज भी वो लोग वहाँ हैं और वो लोग उसी को काम को करते हैं जो कि उन्होंने आज से 400 साल पहले किया। हाथों हाथी कटवाए थे, मतलब जिंदा है उनकी जनरेशन है, सिर्फ आधे ही कटवाए थे। लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, ये थोड़ा सा जब लौट कर वापस आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मुझे तो खैर ध्यान रहेगा, आप लोग भी ध्यान रखें, तो दोबारा जब लौट कर आएंगे तभी पूछने ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा? चलो अच्छा बाकी का जो बताना वो अंदर चलो। ठीक है, अच्छा देखिए जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बनाएंगे बताएंगे अभी नहीं, ये बिगनिंग है, ये सीक्रेट है, बिगनिंग है। चलो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूबर ही तो है, मेरे को भी दिखा तो बना रहे। नहीं नहीं यूट्यूबर नहीं हूँ, फर्जी यूट्यूबर है भाई, ले गजब बेइज्जती है। हाँ इसके कमेंट्स में सुनिए आप लोग। अब तू कौन सा टेलीमार? ठंड का घुस चुके हैं भाई, अब थोड़ी शांति मिली, ठंडक ठंडक। बहुत ही तकड़ी वाली भीड़ हुई है भाई। ये बेटी का कितना रहा, मेरे रंपा तो उतार रहा है, रंपा तो उतार रहा है, बेटी का कितना। दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ आप ताजमहल देखेंगे और आसमान देखेंगे। एंड दिस इज द मेन ब्यूटी जो कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। और अच्छा इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउड नहीं है क्योंकि जस्ट इसके बैक साइड में यमुना नदी है, यमुना रिवर, और फिर हाँ पानी भी है, लेकिन जब उसको आप क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ पर भी रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कोई ज़्यादा हायर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलाउड नहीं है।
देखिए सबसे ज्यादा मेन खूबसूरत ताजमहल में ये कि आप इसको देखें और उसको थोड़ा सा फील करें एक या दो सेकंड के हाँ क्या चीज बनी है और क्या है इसकी मेन खूबसूरत। We'll be right back.